देखो क्या है आंसर आपका। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की, तो इसमें आएंगे 90 ग्राम। सबसे पहले यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, प्रोटॉन लिखते हैं और न्यूट्रॉन लिखते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कार्बन में, एक कार्बन एटम में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो दो कार्बन में 12 हो जाएंगे। एक कार्बन एटम में 6 प्रोटॉन होते हैं, दो कार्बन एटम में कितने हो जाएंगे, सॉरी एक मिनट, इलेक्ट्रॉन टोटल पूछ रहा है। तो एक कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, दो कार्बन में 12 इलेक्ट्रॉन, 12 प्लस 6 कितने इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल, यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, 18 प्रोटॉन होंगे और 12 न्यूट्रॉन होंगे, मल्टीप्लाई। अब 90 ग्राम में निकालने बेटा, तो 90 ग्राम का मोल निकालो सबसे पहले, तो 90 अपॉन इसका मोलर मास कितना होगा, 12 × 24 = 630, 3 मोल्स आएंगे। 1 मोल्स में Na इलेक्ट्रॉन, तो 3 मोल्स में 3 × Na इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 3 × Na प्रोटॉन और यहाँ पर 3 × Na न्यूट्रॉन। कोई डाउट है क्या यहाँ तक, बता दो किसी का गलत, यहाँ तक सही है सबका? यस सर। ठीक है, सबका सही है ना? यस सर। अब हवाई गौरव गरिमा सही है सबका, खुशी? यस सर। अब बात करते हैं यहाँ पर इसकी। यस सर। तो हाँ ठीक है, आप शांत रहना बेटा। अब इसकी बात करते हैं, तो दो एटम है यहाँ पर कार्बन के और 6 एटम है हमारे हाइड्रोजन के। मोल्स आ रहे हैं 3, एक मोल में Na एटम, 3 मोल्स में 3 Na एटम और यहाँ पर 3 Na एटम, ये कितने आएंगे, 6 Na एटम कार्बन के बेटा और 18 Na एटम हाइड्रोजन के, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा, लिखो। हाउ मेनी एटम्स हाउ मेनी एटम्स ऑफ ईच टाइप आर प्रेजेंट इन one forty three gram Na2CO3 dot 10H2O Na2CO3 dot 10H2O, ये Na2CO3 dot 10H2O। इसमें कौन कौन से एटम बेटा, सोडियम, तो सोडियम कितने हैं, कार्बन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं और ऑक्सीजन कितने हैं, आपको निकालना है किसमें बेटा, 143 ग्राम में। बहुत ही सिंसियरली करना, 2 मिनट टाइम आपको देता हूं, जल्दी से आंसर निकालो इसका। क्वेश्चन नोट कर लिए बेटा, कर रहे हो सर? हो गया, धन्यवाद। और लोग को करने दो, काजल खुशी गरिमा करो बेटा। सुन हाँ बेटा, खुशी करो जल्दी। सर मेरा भी आंसर नहीं हुआ है, अभी क्वेश्चन हो गया है। अच्छा आंसर निकालो।
किसी का आया आंसर बेटा? देखो इसका मोलर मास कितना है भाई, निकाला आपने में से किसी ने? यस सर। कितना? सर 380। नहीं कैसे निकाल रहे हो भाई, इसका मोलर मास आएगा 2 सोडियम का 23 प्लस कार्बन 24 सॉरी 12 ऑक्सीजन का 3 × 16 48 प्लस 10 × 18 वाटर कितना आएगा, ये आएगा 286। तो भाई एक बात बताओ, चलो भाई आप मुझसे बताओ सोडियम कितने एटम है इसमें, यहाँ पे कितना लिखूं मैं? टू। सोडियम कितने हैं? हाँ टू टू मल्टीप्लाई। कार्बन कितने है काजल? कार्बन कितने यहाँ पे? वन। हाँ भाई खुशी ऑक्सीजन कितने है यहाँ पे? थ्री। टोटल कितने ऑक्सीजन है बेटा? फोर। थर्टीन। थ्री ये है और टेन ये है, टेन ये है और थ्री ये है, 13 है बेटा। और गरिमा हाइड्रोजन कितने है? 20 है मल्टीप्लाई, बिल्कुल सही। तो मोल्स निकाल लो, अब तो क्वेश्चन इजी है। मोल्स इज इक्वल टू 143/286, हाफ मोल आ गया। वन मोल में एने एटम्स होते हैं, हाफ मोल में हाफ एने होते हैं, मल्टीप्लाई कर दो। कुछ टफ था क्या बेटा बताओ, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं? कोई डाउट है किसी को बताओ कहीं भी? बोलो भाई। नो सर। डाले हेडिंग, ये खत्म हुआ पार्ट यहां से। अब देखो अगर कभी कभी होता है हमें एटम या मॉलिक्यूल या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पता होते हैं, हमें मास निकालना होता है। एक बात बताओ, एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, लिखो जरा। देखो बोलो बेटा। यस सर। एक सेकंड। लिखो फ्रॉम 200 मिलीग्राम ऑफ CO2, फ्रॉम 200 मिलीग्राम ऑफ CO2 10^21 मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड, 10^21 मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड, देन हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2, देन हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2 आर लेफ्ट, देन हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2 आर लेफ्ट। कह रहा है कि 200 मिलीग्राम CO2 था जिससे हमने 10^21 मॉलिक्यूल्स हटा दिए, तो कितना मोल CO2 का बचा? तो एक काम करो, सबसे पहले 200 मिलीग्राम के मोल निकाल के उसके मॉलिक्यूल निकाल लो, और जो मॉलिक्यूल निकाल लो जो निकाले उन दोनों को माइनस कर दो तो लेफ्ट मॉलिक्यूल आ जाएंगे, और मॉलिक्यूल से क्या निकाल लो, मास निकाल लो। कैसे? देखो सबसे पहले काम करो, सबसे पहले 200 मिलीग्राम के मोल निकालो, तो मोल्स इज इक्वल टू, और मिलीग्राम में तो रखते नहीं, किसमें रखते हैं? ग्राम में रखते हैं, तो 10^-3, क्योंकि 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम होते हैं बेटा? 10^-3 ग्राम होते हैं, अपॉन CO2 का मोलर मास कितना होता है? 44 होता है। तो बेटा ये आ जाएगा आपका 0.2 / 44,
ये हट जाएगा ना यहाँ से, या ये आ जाएगा 1/220 मोल। एक बात बताओ बेटा, 1 मोल्स में Na मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो 1/220 मोल्स में कितने होंगे? 1/220 × 6.023 × 10³ मोल्स होंगे। इतनी बात समझ में आ गई? इसको जरा कैलकुलेट करो, डिवाइड करो बेटा, कितना आ रहा है ये? 6.023 / ये करो जरा, एक पॉइंट से हट गया, यहां 22 हो गया, करो जरा कितना आ रहा है ये, मैं करता हूं इसको डिवाइड। तो 0.27 0.273 × 10²। या इसको बोल सकते हैं 2.73 × 10²21 बोल दो। इससे कितने निकल गए? 10²21 निकल गए। तो बचे कितने? 1.73 × 10²21 मॉलिक्यूल्स बच गए। अब इसका मोल निकालना है बेटा। हम लोगों ने पढ़ रखा है कि 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 6.023 × 10²23 मॉलिक्यूल होते हैं। तो बेटा 1 मॉलिक्यूल में कितने मोल हो जाएंगे? इसको 1/10 में ले आओ, बात तो रिवर्स लगा दिया, यही तो हो जाएगा। अरे रिवर्स लगा दो, कितने मोल हो जाएंगे? बात समझ में आ गई? इसके मोल निकाल लो पहले, मोल कितने आ गए इसके? तो इतने मॉलिक्यूल में कितने मोल हो जाएंगे बेटा? इससे मल्टीप्लाई करा दो, समझ में आ गई बात? आपको मोल निकालना है ना, कभी भी मॉलिक्यूल या एटम दिया हो, मोल निकालना हो तो रिवर्स लगा देते हैं। रिवर्स कैसे? आपको पता है 1 मोल में Na एटम होते हैं, तो एक एटम में कितने मोल होंगे? 1/Na मोल हो जाएंगे। इन दोनों को डिवाइड करो, कितना आ रहा बेटा यहाँ से? करो डिवाइड जरा, 1.73 / 6.023। ये आएगा 0.287 × 10²-2, इतने मोल्स आएंगे, इतने मोल्स बचेंगे इसके पास। क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? क्यों भाई, क्वेश्चन आ गया समझ में? सर शुरू का नहीं आया सर। आपसे कह रहा है सर 200, आपके पास 200 मिलीग्राम CO2 है, उससे हमने 10²21 मॉलिक्यूल निकाल दिए। तो भाई निकालने वाली तो बात छोड़ो, पहले 200 मिलीग्राम में थे कितने मॉलिक्यूल पहले ये बता दें, इससे पता चल जाएगा कितने निकल गए, वो तो पता है हमें। तो सबसे पहले हमने 200 मिलीग्राम के मोल्स निकाल लिए और उससे हमने मॉलिक्यूल निकाल लिए, मतलब 200 मिलीग्राम में इतने मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। इससे हमने कितने मॉलिक्यूल निकाल दिए? 10¹, इससे हमने इतने निकाल दिए, तो बचे कितने? जो बचे हैं इन्हीं का मोल तो पता करना है। तो भाई एक मॉलिक्यूल में इतने मोल, तो इतने मॉलिक्यूल में इतने मोल आ जाएंगे, हो गया क्वेश्चन, बस। अभी बात समझ में? यस सर, थैंक यू। इसके बाद कल मिलते हैं 7 बजे, थैंक यू। एंड कर दे बेटा। यस सर।